प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़े जो है दिन पर दिन घटते जा रहे हैं, लेकिन नए वायरस ने चिंताएं भी बढ़ा दी है। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ अभिषेक मनी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार कोरोना के केसेस में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन लापरवाहियां भी सामने आ रही है कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ नए वेरिएंट जो आए हैं इस वक्त डेल्टा प्लस की बात करें तो वो भी एक तरह से खतरा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, सबसे अच्छी बात तो ये है कि बीते कुछ दिनों में जो है मामलों में काफी गिरावट देखने को मिली है। 14,000 के मामले 64 तक पहुंच गए हैं। वहीं प्रदेश में लगातार कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं, जो अब तक 2.83 लाख टेस्ट हो चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो 2.38 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार इस पर बहुत ही एक्टिव मोड पर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 24 घंटे में जो मामले कम होते हुए 600 से मामले 310 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर जोर दिया जाए। और रही बात डेल्टा वायरस की, तो नया वायरस है, लोगों में भी जागरूकता की बहुत जरूरत है। जिस तरह से आपने देखा होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद से लगातार लोगों की भीड़ निकल रही है, मास्क का प्रयोग ना करना, तमाम ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत लोगों द्वारा हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता की जरूरत है कि अभी वो संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं खतरा है, लेकिन जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो एक तरह से लापरवाहियां भी शुरू हो गई है, लोगों को एक बार फिर ये लगने लगा है, तो हम फिर से कहीं उस स्टेप ना चले जाएं कि दोबारा से हमें वही खतरा झेलना पड़ जाए। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से परिस्थितियां अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, लापरवाहियां भी काफी ज्यादा नजर आ रही है? जी बिल्कुल, लापरवाही की बात करें तो लापरवाहियां पूरी तरह से दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आम जन को ये समझना चाहिए कि मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, संक्रमण भी वैसे ही है, बस थोड़ी सी उसमें गिरावट आई है, संक्रमण थोड़ा सा डाउन पड़ा है। और रही क्या कहते हैं सरकार की बात, तो तमाम ऐसी नीतियां हैं जिसपे काम चल रहा है, तमाम ऐसे डेल्टा ग्रुप बनाए गए हैं, तमाम ऐसे जागरूक अभियान करने के लिए लोगों को जिलों में भेजा जा रहा है, मंत्रियों से लेकर सभी नए वायरस को लेकर भी जानकारी दी जा रही है, और तमाम ऐसी जानकारी को लेकर मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य लोग बैठक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हाल फिलहाल लोगों की इसमें गलती नजर आती है कि एक बड़े बुरे दौर से गुजरने के बाद भी वही गलती दोबारा करना, तो कहीं ना कहीं आम जनता की भी लापरवाही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन वही लापरवाही भी लोगों की अब उजागर होने लग गई है। जिस तरह से लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कहीं ना कहीं वो भूल रहे हैं, साथ ही साथ तीसरी वेव का भी खतरा बना हुआ है।